खाना वाना घरों में बन रहा है कि अभी नहीं, सब खाना वाना तो नहीं बना, खाना वाना कुछ नहीं, नहीं। स्थिति काफी गमगीन है, जैसे कि हमने बताया आपको कि सिर्फ पैतृक निवास पे ही नहीं पूरे गांव में इस समय स्थिति काफी गमगीन हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी गरीबों के मसीहा थे और बाबा सिद्दीकी जब भी आते थे गरीबों के लिए कुछ करते थे यहाँ, तो सहा यहाँ पूरा माहौल मेरे गांव में भी चल के देख सकते हैं आप, पूरा एकदम माहौल सन्नाटा की तरह लगा हुआ है। सब लोग अपने आप ये महसूस कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी हम लोग के बीच नहीं रहे। उनसे हम लोग का तल्लुकात एक चचा भतीजे की तरह था, चचा और अंकल और भतीजे की तरह। पूरा गांव एक तरह से समझिए कि टूट चुका है। कितनी आबादी होगी इस गांव? हमारे गांव की आबादी कम से कम 1500 के आसपास है। 1500? जी जी। तो अभी हर एक घर में गम का माहौल है। जी, हर घर में हर फर्द जो है इस चीज को बहुत करीब से महसूस कर रहा है, उदास है। तो ये घटना जब सभी लोग सुने, हम लोगों ने सुना, हम लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अंत तक हम लोगों की एक सांस हम लोग रुके हुए थे और प्रेयर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से एक अच्छी खबर मिल जाए, गुड न्यूज़ मिल जाए। कहीं कहीं से खबर आ रही थी कि नहीं, वो डेथ कर गए, नहीं बचे। तो यही वो स्कूल है जिसकी नींव बाबा सिद्दीकी ने रखी थी, जहां गोपालगंज के मांझा के कई परिवार के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। नर्सरी से क्लास 10th तक की पढ़ाई इसमें कराई जाती है। फिलहाल हम इस गांव में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो इस समय अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं और कहा जाता है कि ये बाबा सिद्दीकी का ही गांव है, कहा ही नहीं जाता है बल्कि ये है गांव है। क्या आप लोग अभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीते रात जो घटना घटी है जी, क्या कुछ गांव के लोग अभी महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बाबा सिद्दीकी गरीबों के मसीहा थे और बाबा सिद्दीकी जब भी आते थे गरीबों के लिए कुछ करते थे यहाँ, तो सहा यहाँ पूरा माहौल मेरे गांव में भी चल के देख सकते हैं आप, पूरा एकदम माहौल सन्नाटा की तरह लगा हुआ है। सब लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी हम लोग के बीच नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है कि जिनको मान लीजिए गरीब आदमी थे, कापी किताब सब कुछ स्कूल से, स्कूल के पास ये है सब कुछ देना लेना बाबा सिद्दीकी। मतलब गाँव की अधिकतर जो जनसंख्या थी वो कहीं ना कहीं जुड़ी थी उनसे, बहुत ज्यादा उम्मीद भी थी बाबा से। क्या कुछ किया है उन्होंने, जरा आप इस पर, चूंकि आप प्रॉपर यहाँ के निवासी हैं, तो जरा उनके कार्यों को आप हमें बताएं कि किस तरीके से वो जुड़े हैं आप लोगों से, क्योंकि दिल में इतना घर कर जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इस पर जरा आप हमें बताएं। बाबा से कितनी बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए, स्कूल यहाँ डाल देना, कंप्यूटर डालना, सब कुछ मुफ्त में, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं, फ्री है, स्कूल आपके सामने खड़ा है, फ्री सब। आप लोगों के गांव के, आप लोगों के परिवार के बच्चे बच्चे इसमें आते पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, सब फ्री में। वहाँ तो ये भी बोले थे, शायद बात किए थे गुफरान से, तो बोले थे कि मैरिज हॉल बनवाना एक, तो जहाँ मुफ्त में शादी, मुफ्त में शादी हो, कोई पैसा नहीं, फ्री करना। चलिए सर, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल अहद हुआ। तो किस तरीके से जुड़ाव है आपका उनके परिवार से या उनसे, और अभी क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं, पूरा गांव जो है क्या महसूस कर रहे हैं? उनसे हम लोग का तल्लुकात एक चचा भतीजे की तरह था, चचा और अंकल और भतीजे की तरह, और हम, मेरा और उनका घर जो है पड़ोस में सटा हुआ है, पड़ोसी है, फैमिली ही के हैं। उनके न रहने पे ये समाचार जब मिला हम लोग को तो इतना दुख हुआ, एक तरह से समझिए कि पूरा घर हमारा गाँव जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बीच जो हमारे बच्चों के लिए इतना सब कुछ करने वाले, सोचने वाले, हर चीज जो है फैसिलिटी देने वाले, कि हमारे इस गांव से भी निकल के कुछ बच्चे जाएं, नाम रोशन करें, उस तरह के व्यक्ति के साथ इस तरह से, तो काफी हम लोग दुखित हैं, और दुखी नहीं है बल्कि पूरा गाँव एक तरह से समझिए कि टूट चुका है। चलिए, यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूरे गाँव में मातम का माहौल है, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, आप भी यहीं के हैं? जी, यहीं। नाम क्या हुआ? इमामुद्दीन हवारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, जब हम लोग को खबर मिली इसकी तो हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रही थी, हमें लग रहा था कि फेक न्यूज है, लेकिन जब कॉल वहां से आया, बातचीत हुई गुफरान भाई के माध्यम से, उनके भतीजे, हाँ उनके भतीजे जो गुफरान भाई है, उनके माध्यम से बातचीत हुई, तो उसके बावजूद भी बहुत समय तक हम लोग को यकीन नहीं हुआ, फिर भी सारे जगह से न्यूज चैनल के माध्यम से मालूम चला,
हम लोग बहुत ही दुख के घड़ी में हैं। कुछ भी कहना उस शख्स के लिए, हमने एक नायाब हीरे को खो दिया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि गांव के ज्यादातर लोग जो हैं अभी दुख की घड़ी में हैं। आप लोग इसको किस हिसाब से ले रही हैं फिलहाल? हम लोग तो बहुत स्थिति में है, मजबूरी में है, देख रहे हैं तो मोबाइल पर देखे हम लोग। आपके घर से कितनी दूरी पे उनका घर होगा? अरे 10 कदम हट गए हैं हम लोग। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया, बहुत है की, बहुत कुछ यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये बात बहुत किए हैं, महिलाओं के भी किए हैं। मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो इस समय दुखी हैं। बहुत दुखी हैं लोग, जब भी सुनते हैं सब दुखी में है, पूरा मेरा परिवार है दुखी में है। खाना वाना घरों में बन रहा है कि अभी सब? खाना वाना तो नहीं बना, खाना वाना कुछ नहीं, नहीं। जैसे कि हमने आपको कहा कि गांव के ज्यादातर लोग दुखी हैं इस चीज को लेके कि बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। महिलाओं से भी हमने बातचीत की है, महिलाओं का भी यही कहना है कि अभी घरों में खाना तक नहीं बना है, भोजन भी तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि वो इस कदर यहाँ के लोगों से घुले मिले थे महाराष्ट्र रहते हुए भी कि इन्हें ये महसूस नहीं होता था कि बाबा सिद्दीकी अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक निवास में नहीं रहते हैं बल्कि महाराष्ट्र रहते हैं। आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ क्या कि वो यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर हैं? नहीं नहीं, सब थोड़े हम लोग सोच रहे हैं बहुत करीब हैं, फोन से बातचीत ये सब होते थे। यही सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कमाता है, और बाबा सिद्दीकी ने बखूबी ये सभी चीज़ें कमाई हैं। पूरी जानकारी हमने आपको दी। गोपालगंज से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।